लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सच्ची खबरें जानना आपका मौलिक अधिकार है, क्योंकि सच जरूरी है। बारिश नहीं होने से धान की रोपाई रुकी, 25,000 प्रति एकड़ मुआवजे की मांग। भंडारा जिले में बारिश नहीं के बराबर होने की वजह से पूरे भंडारा जिले में धान की रोपाई रुकी है। बारिश का आधा मौसम खत्म होने से इस वर्ष धान की रोपाई करके कोई लाभ नहीं होगा। इस वजह से जिले के किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले में कई तहसीलों में धान की नर्सरी सूखने लगी है। भंडारा जिले को तालाब का जिला कहा जाता है, लेकिन इस वर्ष जिले के किसी भी तालाब में बारिश का पानी जमा नहीं हुआ। पूरे तालाब खाली पड़े हुए हैं, नदी नाले सूखे हुए हैं, इसलिए किसानों के पास सिंचाई का कोई भी व्यवस्था नहीं होने से अब किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग को लेकर शेतकड़ी संकट मोचन संगठन साकोली के संयोजक डॉक्टर अजय तुमसरे के नेतृत्व में साकोली के तहसीलदार के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशान लांजेवार की खास खबर। अपना नाम बताइए। और अभी जो बारिश बिल्कुल गायब हो चुकी है, पानी नहीं आ रहा है ना, धान के पौधे भी सूखते आए दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपल्याला सर पाणी पाहिजेत आणि पाण्याविना आपले पोरे जात आहेत, तर आता यांचा उपाय काय करतील? मुझे बताइए, अभी ये अगर अभी 15 दिन से तो बारिश गायब है, हाँ, और अभी समझो 8 दिन बारिश नहीं हुई तो कैसी स्थिति होंगी? दुष्काल होगा, दुष्काल हो जाएगा, अकाल हो जाएगा। हाँ, अकाल हो जाएगा। ये अभी ये जो परे दिख रहे हैं, हाँ, ये परे तो कोई काम की नहीं है अभी? नहीं, ये तो काम की नहीं जी, नहीं है, बिल्कुल काम की नहीं है। और क्या चाहते हो आप सरकार से? सरकार से तो अब कुछ नहीं, तो मांगना पड़ेंगे। मतलब कुछ महंगाई अभी ये जो कर्जा और जा माफ वगैरह करने की कुछ मांग रहेंगे आप? हाँ, मांग रहेंगे, क्योंकि अभी तो आदमी ने मतलब ये सोसाइटी का कर्जा वगैरह निकाल से कर दिए है ना। हाँ, आपको लिए मिला कि सोसाइटी का कर्जा वगैरह? नहीं, आपको नहीं मिला? नहीं। अच्छा, आपके पास कितने कर्जा जगह है? अपने पास 1 एकड़ से। 1 एकड़ से आपके भी स्थिति ऐसी परे की? हाँ। अच्छा, आप अपना नाम बताइए और क्या स्थिति है प्रधान की मतलब अभी? हमारा नाम है जीवन श्रीराम राणे, हम सरानी के रहने वाले हैं और हमारे इधर 15 दिन से बारिश नहीं आ रही, और ये जो हमने जो खेती में ये जो धान लगाए और धुरे के साथ ये तुअर वो सब सूख रहे हैं, और अभी चल पूरे वो मर गए हैं, 15 दिन से बारिश नहीं आ रही और ये पूरे सूखे, पूरे बिन ये बेकार हो गए। ये अभी हमने जो बैंक से और बैंक से जो पैसे उछले हैं वो तो वो भी कैसे देंगे? अभी ये धान की फसल तो पूरी गई है, तो उठाया सोसाइटी? हाँ, हमने वो 76 आर हमारी ज़मीन है और वो जो कर्जा है वो कैसे चुकाएंगे? अभी धान तो गए है, तो हम ये चाहते हैं कि वो सरकार नहीं क्या हमको देगी सरकार से? आप हाँ? मतलब कर्जा माफ करना चाहिए? हाँ, कर्जा माफ करना चाहिए ये। अच्छा, मुझे बताया कि ये जो गोसे खुर्द का भी पानी आ रहा था पहले, अभी ये गोसे खुर्द का पानी आ रहा है और वो जो पंप लगाते हैं वो पानी नहीं आता ना, क्योंकि वो बहुत कम छूटता है, क्योंकि पूरी व्यवस्था अभी तक हुई नहीं है, व्यवस्था नहीं है, गेट नहीं है बराबर, जो मेन है वो उधर आते पानी और जो छोटे छोटे नाले है वो उधर आते ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर भी एक मांडर सरांडी रास्ते पर एक कैनल था। हाँ, ये अभी इस साल बुझाया गया? हाँ, अभी ये इस साल नहीं क्या, वो पिछले साल में वो खुदाई हुई थी। अच्छा, अरे वो अभी इस साल में नहीं क्या, मुरुम वो डाल के नहीं क्या, पूरी दबा के और वो बंद है। अच्छा, अभी अगर बारिश आ गई समझो, हाँ, है ना, अब तो क्या हो सकता है? मतलब धान की रोपाई हो जाएंगी, पर काम में आ जाएंगी? नहीं ना, अभी वो सूख गए ना, बारिश जब आएगी वो तब तक तो मर ही जाएंगे। अच्छा, मतलब बारिश आके भी कोई फायदा नहीं है? फायदा नहीं है, इससे तो फिर जानवरों के पानी के लिए चारे के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। हाँ, है ना। सरकार से क्या मांग रहे हैं आपके? सरकार से ये जो हमने कर्जा उठाया है बैंक से और सोसाइटी से भी, तो वो माफ कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि वो होता है कि सरकार माफ करेगी? माफ करेगी तो खाएंगे कैसे, जगेंगे कैसे, पेट कैसे भरेंगे, बाल बच्चे हैं। तो आप ये मांग रहे हैं कि सरकार माफ करना चाहिए करके? सरकार को माफ करना चाहिए ना ये? मागच्या 2 महिन्यापासून पावसाळा लागूनही पाऊस पडलेला नाही आणि त्याच्यामुळे भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यामध्ये बऱ्याचशा शेतकऱ्यांचे रोवणे झालेले नाही आणि ज्या शेतकऱ्याकडे कृषी पंप ची सोय आहे त्या शेतकऱ्यांनी थोडेफार आपले रोवणे आटोपले आहेत, परंतु आता ते रोवणे धानाचे रोपं
जगवणे फार कठीण झालेलं आहे. कारण शेतकऱ्यांकरिता कृषीपंपाकरिता सरकारचा जाचक जो कायदा आहे 8 तासाची वीज, त्याच्यामुळे जे झालेले रुग्ण आहेत ते जगवणे कठीण झालेलं आहे. आणि म्हणून सरकारला अशी मी एक मागणी करतो आहे की 8 तासाऐवजी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 24 तास वीज देण्यात यावी. आणि यावर्षी दुष्काळ पडला असल्यामुळे, कोरडा दुष्काळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांना 25,000 रुपये एकरी नुकसान भरपाई देण्यात यावी. मागच्या 5 वर्षापासून सरकार हजारो करोड रुपये पीक विम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्याकडून वसूल करत आहे, परंतु शेतकऱ्यांना त्या पीक विम्याचा आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारचा लाभ झालेला नाही, कोणताही फायदा झालेला नाही. आणि म्हणून यावर्षी सुखा दुष्काळ असल्यामुळे सरकारने पीक विम्याचे पैसे सरसकट प्रत्येक शेतकऱ्याला 25,000 रुपये एकरी मदत म्हणून दिली पाहिजे. त्याचप्रमाणे सरकारने शेतकरी सन्मान योजनेच्या नावाखाली जी योजना जाहीर केलेली आहे आणि शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्षाला देऊ असे जे घोषित केलेलं होतं, त्याच्यातले 6,000 रुपये हे सुद्धा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर सरकारने तात्काळ जमा करावे, एवढी एक मागणी मी सरकारला करतो आहे. जर सरकारने ह्या ज्या मागण्या ह्या पूर्ण केल्या नाही तर संपूर्ण भंडारा जिल्हाभर ज्या ज्या शेतकरी संघटना आहेत त्यांना सोबत घेऊन आणि इतरही संघटनांना एकत्र आणून संपूर्ण जिल्हाभर आंदोलन करण्यात येईल. आणि ते आंदोलन तीव्र स्वरूपाचे असेल, कारण आता जगण्यासाठी शेतकरी धडपडतो आहे. करा किंवा मरा ही परिस्थिती आमच्या भंडारा जिल्ह्यावर आणि गोंदिया जिल्ह्यावर आलेली आहे. त्याच्यामुळे सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 25,000 रुपये प्रति एकरी मदद करावी, एवढी मी सरकारला एक मागणी करतो. MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.